गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब जरा इस टर्म को हम समझें। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और लिसिस मतलब होता है तोड़ना। तो यानी कि इस प्रोसेस में हम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को कैसे बनाते हैं, उस पाथवे को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने पहले लास्ट में वीडियो में बनाया था कि ग्लाइकोजन कैसे बन रहा है वो देखा था, तो आज हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है जो बन चुका है, जब हमें ज़रूरत है बॉडी में ग्लूकोज की, तो उसे हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इन ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन टू प्रोड्यूस फ्री ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता था वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिला करके एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसे हम लोग नाम दे रहे थे क्या, ग्लाइकोजन। अब हमें ग्लाइकोजिनोलिसिस कराने, तो हम इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे जो इसके मोनोमर्स थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसमें ब्रेक करा देंगे। तो हमें जो ये जो राउंड राउंड है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से हमें फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाएगा और प्रोड्यूस किया जाएगा फ्री ग्लूकोज। इस पाथवे को रन करने का जो एम होता है हमारा, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम क्या कर सकें, मेंटेन करें। मान लो आप स्टारवेशन में या कहीं किसी काम में फंसे हुए, तो आप खाना नहीं खा पाए, तो बॉडी को तो लेकिन ग्लूकोज की जरूरत है ना। तो जो बॉडी ने पहले से ग्लाइकोजन को जो स्टोर करके रखा है, उसको बॉडी जो है वो ब्रेक करेगी और बॉडी की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। बात करते हैं हम लोकेशन की, तो जो इसकी लोकेशन है वो साइटोसोल कहें या साइटोप्लाज्म कहें, वहां पर पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल बोल देंगे और यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, इस तरह से कुछ है। तो जो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस का पाथवे है ये साइटोप्लाज्म में रन होता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस थी वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही रन हो रही थी। तो जहां बन रहा है वहीं पर भी इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑल ग्लाइकोजिनोलिटिक एंजाइम आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, जहां पर पाथवे रन होगा। मान लो ये सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर लिसिस पाथवे चल रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस पाथवे यहाँ चल रहा है, तो इसके सारे एंजाइम वो भी सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, यही साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें टोटल तीन स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट को हम लोग नाम देते हैं फॉस्फोरोलिसिस, स्टेप सेकेंड है हमारा डी ब्रांचिंग, और स्टेप थर्ड है हमारा रिमूवल ऑफ ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज। ये सारे स्टेप को जरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले जरा फॉस्फोरोलिसिस को समझ लो। एक टर्म आपने और समझा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब तोड़ना। तो जब किसी बॉन्ड को हम लोग वाटर मॉलिक्यूल दे करके ब्रेक करते हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। अगर हम किसी बॉन्ड को, जैसे मान लो ये बॉन्ड बने हुए हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसको हम क्या करें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या पीआई दे करके अगर हम ब्रेक करें, तो इसे हम लोग नाम देंगे क्या, फॉस्फोरोलिसिस। चलिए एक एक करके तीनों जो स्टेप्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा फॉस्फोरोलिसिस। इन दिस स्टेप या प्रोसेस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैटलाइज द रिएक्शन इन विच α1S2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज रेजिड्यू एट ए नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन अंडरगो अटैक बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूविंग द टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू एज ए α ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जरा आप ये इंग्लिश को छोड़ो, आप सीधा हिंदी में समझो कि कॉन्सेप्ट है क्या रियल में। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो वहां पर आपने देखा था कि जो नया आने वाला ग्लूकोज है, इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, इस तरफ से इस तरफ बनाकर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जा, राइट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो राइट से हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो नया आने वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड पर एड हो रहा था, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड। और जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो भी कहाँ से होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड से होगा। तो जब नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, तो जो बॉन्ड बन रहा था उसका नाम था α1S2 4। ये अल्फा पोजीशन है, ये वन है, और ये है ग्लूकोज, पहले जो प्रेजेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके फोर पोजीशन, तो ये बॉन्डिंग जो है 1S2 4। तो जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो फॉस्फोरोलिसिस कराता है। फॉस्फोरोलिसिस कराने वाले एंजाइम का क्या नाम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये क्या करता है कि जो α1S2 4 लिंकेज है इसको ब्रेक करता है। तो ये क्या करेगा, एक पीआई को यूज करेगा, और इस पीआई को जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो नॉन रिड्यूसिंग एंड पर प्रेजेंट है, इसको फर्स्ट पोजीशन पर लगा दिया जाएगा। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है सिक्स, ये छह कार्बन। तो
तो पहला कार्बन जो है वहां पर लगा दिया जाएगा, क्या जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने यूज किया उसको लगा दिया गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्स्ट फॉस्फेट के ऊपर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो ये बन गया हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो इस तरह से जो मान लो ये एन नंबर चेन था, मान लो इसमें 10 अमाइनो एसिड, 10 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे ग्लाइकोजन में, तो 10 में से अब एक ये टर्मिनल वाला क्या हो गया, निकल गया। तो मान लो 10 को हमने मान लिया एन, तो एक जब स्टेप रन होगा फॉस्फोरोलिसिस का तो माइनस क्या हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया। तो इस वजह से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है N-1 से। तो फॉस्फोरोलिसिस में समझ लो क्या होता है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी PI को यूज करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और जो हमारा ओरिजिनल ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल था उसमें से N-1, एन में यानी कि पहले जितने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड थे उसमें से एक क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को जरा हम समझें, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट ऑन नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये पॉइंट भी ठीक है क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग एंड पर ही वर्क कर रहा है, एंड देयर एक्टिविटी इज सप्रेस टू क्लोज टू द ब्रांच पॉइंट। अब देखो जब हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस, वो आपको एक बार वीडियो देखना होगा तब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब हम वहां पर ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वहां पर एक एंजाइम आया था ब्रांचिंग। ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया था कि जैसे मान लो ये आगे ऐसे और बहुत सारे बने हुए हैं ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ से इसने इसको कट कराया था और यहाँ पर ब्रांच पॉइंट पर ले जा करके क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। तो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब आ रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, हर एक बॉन्ड पर एक PI यूज करेगा, और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये हमारा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल रिलीज होते जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्रांच पर पहुंचेगा, यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही थी जो ब्रांच लेकर लगाई थी ब्रांचिंग एंजाइम ने ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो काम नहीं कर पाएगा। शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सारे बॉन्ड तो ये ब्रेक करता होगा जैसे ही, लेकिन ये जो ब्रांचिंग वाला एंजाइम ने जो वर्क किया था अगर वहां पहुंचेगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वर्क नहीं कर पाएगा। जब ये एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा तो हमें एक नए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले एक पॉइंट ये जरा समझ लो, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ब्रेक ओनली दी α1s2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने केवल कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, α1s2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ये ब्रांच पॉइंट के पास पहुंचेगा वैसे इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। जो सेकेंड स्टेप में जो हमारा एंजाइम यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो जो वहां पर था ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ब्रांचिंग एंजाइम, अब हम ब्रांच को हटाना तो हमें यूज करना होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो डी ब्रांचिंग इज कैटलाइज्ड बाय डी ब्रांचिंग एंजाइम दैट क्लीव्स द α1s2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन कैटलाइज्ड ब्रांच ट्रांसफर एट द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ लीनियर ग्लाइकोजन पॉलीमर। अब देखो जैसे ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो वर्क करता हुआ यहां तक आ गया, उसके बाद ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, वो वर्क नहीं कर पाएगा। अब जो हमें यहाँ पर एंजाइम चाहिए उसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। क्या नाम है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कराएगा, और जैसे मान लो यहाँ से इसने कट किया और यहाँ से नहीं, यहाँ से कट करेगा इसको और यहाँ से इसको उठाएगा और जो यहाँ पे एंड है यहाँ पर ले जाकर क्या किया, यहाँ से कट किया इसने और यहाँ से ले जाकर के यहाँ पर जोड़ दिया। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम यह है कि ट्रांसफर करता है जो ब्रांच थी उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड, या कहें हम लोग लीनियराइज स्ट्रक्चर है जो ग्लाइकोजन का उस पर। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसफर एट नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ लीनियर ग्लाइकोजन पॉलीमर। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया कि जो ब्रांच थी उसको यहाँ से कट किया ब्रांच पॉइंट से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले, और इसको कट करके जो यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग एंड था वहां पर ले जा करके जोड़ दिया। ये सारा वर्क करता है हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये डी ब्रांचिंग एंजाइम कैन नॉट हाइड्रोलाइज α1s2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो यहां पर भी जो हमारे बॉन्ड है वो हमारे α1s2 4 है, लेकिन जो यहां पर जो बॉन्ड बना होगा ये है हमारा α1s2 6। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसने यहां पर ब्रेक किया और इस पोर्शन को हटा करके यहां पर प्लेस कर दिया। लेकिन अब हमें इस वाले पॉइंट को भी तो हटाना है लीनियर स्ट्रक्चर करने के लिए, तो इसके लिए हमें एक दूसरा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अभी तक दो एंजाइम यूज कर चुके हैं, एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यूज किया है जो ब्रांचिंग एंड तक जा करके सप्रेस हो जा रहा था, इसके बाद हमने एक नया एंजाइम यूज किया जिसका नाम है डी ब्रांचिंग। उसने क्या किया, ब्रांच को हटा करके दूसरी जगह जो लीनियर स्ट्रक्चर था वहां पर जाकर नॉन रिड्यूसिंग एंड पर लगा दिया। लेकिन जो क्या होता है ब्रांच पॉइंट होता है वहां पर बॉन्ड होता है α1s2 6, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो α1s2 6 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से हमें एक नए एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है α1s2 6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम।
तो रिमूवल ऑफ ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज। अब ये जो ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज है इसको हटाने के लिए हमें एक नए एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है अल्फा वन एस टू सिक्स ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम। ये क्या करेगा, इस अल्फा वन एस टू सिक्स बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको रिलीज करा देगा। अब मेन डिफरेंस यहाँ पर समझ लो कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो वर्क कर रहा था उसका क्या रोल है और जो अल्फा वन एस टू सिक्स ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है उसका क्या रोल है। वहां पर जब हम जैसे यहां पर हम जब इन बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं तो हम यहाँ पर पीआई दे रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है उसका केवल काम इतना था कि यहां से इसने ब्रेक किया और यहां पर ले जाकर प्लेस कर दिया। इसके बाद जो सारा काम है वो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ही करेगा, ये इसको पीआई देगा और जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट जो यहाँ पर रिलीज हुए हैं वो आगे भी रिलीज होंगे। और जैसे ही ब्रांच पॉइंट पर पहुंच जाएगा इस वाले पॉइंट को, इस वाले बॉन्ड को अल्फा वन एस टू सिक्स को ब्रेक करेगा हमारा कौन, जो हमारा अल्फा वन एस टू सिक्स ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है। वहां पर जो है इन वाले बॉन्ड को जब हम ब्रेक कर रहे थे तो यहाँ पर हम पी आई दे रहे थे, एंजाइम जो यहाँ पर यूज हो रहा था उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। लेकिन जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं अल्फा वन एस टू सिक्स ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ये जो एक रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, यहाँ पर हम लोग फॉस्फेट नहीं दे रहे हैं तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पी आई यूज किया जा रहा था तो ये हमारी फॉस्फोरोलिसिस थी। तो इसमें हम अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछें कि बताओ जब ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी तो कितने प्रकार के ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो आपको दो प्रकार के ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक आपको मिलता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज की पहली पोजिशन पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। दूसरा आपको मिलता है केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिस पर कोई भी फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है। ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो आपको जब ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाएगी तो लास्ट में आपको एक वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा जिस पर फॉस्फेट लगा हुआ है और एक वो मॉलिक्यूल मिलेंगे जिस पर फॉस्फेट नहीं लगा है। जो ब्रांच पॉइंट होता है वहां पर फॉस्फेट नहीं लगा होगा। तो आप पूछा गया कितने फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, तो यानी कि एन इक्वल टू ब्रांच, तो जितने ब्रांच उतने फ्री ग्लूकोज हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो दस इट इज ए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इस तरह से ये जो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज किया गया है ब्रांच पॉइंट वाला, ये कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रीडोमिनेंटली फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज इज रिलीज अलॉन्ग विद सम नॉन फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज। यानी कि ये सब जब बॉन्ड टूटेंगे तो हमें फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो ये वाला ब्रांच पॉइंट वाला ब्रेक हुआ है तो हमें ये नॉन फॉस्फोराइलेटेड मिलेगा। वही यहाँ पर बोल दिया गया है कि फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज मिलते हैं अलॉन्ग विद, यानी कि के साथ साथ, किसके साथ साथ, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज के साथ साथ हमें कैसे मिल रहे हैं, नॉन फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज के मिल रहे हैं। तो ये हमने तीनों स्टेप देख लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा फॉस्फोरोलिसिस है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉस्फोरोलिसिस। सेकेंड स्टेप हमारा डी ब्रांचिंग और थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज। इस तरह से ये ग्लाइको जीनोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट जरा हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोजन जो जो ग्लाइको ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं वन फॉस्फेट के फॉर्म में वो आगे कैसे वर्क करेंगे। तो जरा आप ये समझो कि जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट जो रिलीज हुआ है इसके दो फेट हो सकते हैं। या तो ये क्या करेगा, वहीं लीवर में ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीवर में रिलीज हुआ और ये किस में चला गया, ग्लाइकोलिसिस में, और बन गया हमारा क्या, पायरुवेट। ये पायरुवेट एस्टाइल को एंजाइम में बनाएगा और ये चला जाएगा फिर किस में, टीसीए में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे उससे हमारा चलेगा ईटीएस और बनाएगा क्या, एटीपी। इस तरह से ये फेट हो सकता है ग्लूकोज का कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीवर में क्या करेगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा। दूसरा ये है कि रिप्लेनिस ब्लड ग्लूकोज, रिप्लेनिस मतलब मेंटेन करना। तो या तो क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं उसमें लीवर में, तो दो कंडीशन में ग्लूकोज है और या फिर क्या है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट है। या तो ये करेगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ग्लू टू ट्रांसपोर्टर उसको थ्रू लीवर सेल से बाहर आएंगे और ब्लड स्ट्रीम में क्या किए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे। तो हम जरा इस पॉइंट को भी जरा ध्यान देते हैं। तो ग्लूकोज वन फॉस्फेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन। जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम था वो उसका एंड प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा था वो था ग्लूकोज वन फॉस्फेट। तो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, क्योंकि ग्लूकोज वन फॉस्फेट तो ना हमारा ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा ना ये सेल से बाहर जाएगा, तो इसको हमें यू कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज का जो पहला, जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है
वो होता था ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अभी हमें मिला है क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना होगा हमें किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इसके लिए हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम वो होते हैं, जैसे मान लो अभी क्या है कि ग्लूकोज की फर्स्ट पोजिशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये फर्स्ट पोजिशन से फॉस्फेट को हटाएंगे और कहाँ पर लगा देंगे, 6 पोजिशन पर लगा देंगे। कैसे लग रहा है वो हम देखते हैं। तो म्यूटेज का काम क्या है कि उसी विद इन स्ट्रक्चर ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है 1 to 6, विच कैटलाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन कैटलाइज करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना सकता है। अब जो ये रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। तो हम समझेंगे कि स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है और स्टेप सेकेंड में क्या हो रहा है। द एंजाइम डोनेटेड इट्स फॉस्फोरिल ग्रुप, जो यहाँ पर ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, ये फॉस्फोरिल जो ग्रुप है ये ग्लूकोम्यूटेज का जो सेरीन रेजिड्यू है उस पर ये फॉस्फेट लगा हुआ रहता है। तो जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है वो क्या करता है, अपना सेरीन ग्रुप को, जो ग्लूको फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है उसके सेरीन पर फॉस्फेट जो लगा हुआ है, उस फॉस्फेट को जो ग्लूकोज का 6 पोजीशन है। अब जरा कार्बन नंबर देखो, तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन, तो ये हमारा जो जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, और ये हो गया हमारा 6। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का सेरीन रेसिड्यू पर लगा हुआ है फॉस्फेट, तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज अपने फॉस्फेट को दे देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की 6 पोजीशन पर। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। तो फॉस्फोरिल ग्रुप टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस ग्लूकोज 1.6 बाई फॉस्फेट। अब देखो जब फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ने अपना फॉस्फेट जो है वो दे दिया ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर लगा दिया, तो अब इस ग्लूकोज के पास में 2 फॉस्फेट होगा, एक फॉस्फेट पहली पोजीशन पर लगा हुआ है और दूसरा फॉस्फेट लग जाएगा कहाँ पर, 6 पोजीशन पर। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम है ग्लूकोज 1.6, मतलब यानी पहली पोजिशन पर भी फॉस्फेट लगा है और 6 पोजिशन पर भी फॉस्फेट लगा है। तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द फॉस्फोरिल ग्रुप एट C1 ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट 6 बाई फॉस्फेट, जो यहाँ पर दिखाया गया है रेड कलर में, जो ग्लूकोज 1.6 बाई फॉस्फेट है, इसका जो फॉस्फोरिल ग्रुप है ये ट्रांसफर बैक टू द एंजाइम। ये क्या किया जाएगा, जो से जो हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है जहां से हमने लिया था एक फॉस्फेट छठी पोजिशन पर लगाया था, ये यहाँ पर वापस जा करके ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लग गया, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो फॉस्फेट, जो ग्लूकोज 1.6 बाई फॉस्फेट का जो पहला फॉस्फेट ग्रुप था वो जा करके वापस फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की फर्स्ट पोजिशन पर लग जाएगा, रिफॉर्मिंग द फॉस्फो एंजाइम एंड प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस तरह से क्या हुआ कि जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का जो फॉस्फेट था वो लग गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर, और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो फॉस्फेट था वो वापस जाकर लग गया कहाँ पर, जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है उस पर। तो इस तरह से जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैसे जो ग्लाइकोजिनोलिसिस हुई उसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हुए, तो उनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज अपना फॉस्फेट दे देगा ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, तो स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूकोज 1.6 बाई फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 1.6 बाई फॉस्फेट का जो पहला फॉस्फेट है वो अपना फॉस्फेट दे देगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज को, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और फॉस्फो ग्लूकोज जो म्यूटेज है वो अपना फॉस्फेट लेकर के जैसा आया था वैसे ही अपना एक फॉस्फेट लेकर के अलग हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि कैसे 1 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कराते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो इन लेट 1930 कार्ल एंड गर्टी कॉरी डिस्कवर्ड द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ऑफ स्केलेटन मसल एग्जिस्ट इन 2 इंटरकन्वर्जिबल फॉर्म। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जिसने क्या किया था, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज कराया था पीआई की हेल्प से, पीआई दिया, जैसे मान लो ये ग्लाइकोजन है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बने हुए हैं इसको इसने पीआई का यूज किया और इनको रिलीज करा दिया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया 1 फॉस्फेट। तो ये जो एंजाइम जो यहाँ पर यूज हो रहा था इसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो कार्ल एंड गर्टी जो दोस्त नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसको स्केलेटन मसल में डिस्कस किया और पाया कि वो 2 इंटरकन्वर्जिबल फॉर्म में रहता है। एक होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए नाम दिया इन्होंने एक फॉर्म को, और जो सेकंड फॉर्म थी उसको इन्होंने नाम दिया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी। जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए है वो
कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म है, यानी कि यही जो फॉर्म है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करती है ग्लाइकोजन वन फॉस्फेट में, और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी है ये मच या फिर बोले लेस एक्टिव है, मच लेस एक्टिव मतलब बहुत कम जो है वो एक्टिव है। तो दो फॉर्म है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए है और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए जो है वो कैटालिटिकली एक्टिव है और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी है वो लेस एक्टिव है, यानी कि एक्टिव है लेकिन बहुत कम एक्टिव है। तो कैसे ये दोनों हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी? तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज ऑफन रिफर्ड टू सिंपली फॉस्फोराइलेज। तो जैसे ऐसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम है विनोद कुमार तो हम लोग उसको नॉर्मली विनोद बोल दे रहे हैं, कुमार नहीं लगा रहे हैं, वैसे यहाँ पर इसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तो इसको नॉर्मली जो है सिंपली फॉस्फोराइलेज बोलते हैं, ग्लाइकोजन नहीं लगाते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज ऑफन रेफर टू सिंपली फॉस्फोराइलेज। अब जरा ये समझ लो कि कैसे ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में कन्वर्ट होता है और कैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो दो सब यूनिट की तरह मान लो इसको स्ट्रक्चर है, तो एक सब यूनिट ये है फर्स्ट और दूसरी ये है, इनका जो सेरीन 14 नंबर का रेजिड्यू है इस पर ये सेरीन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। तो इसको समझो कैसे है, तो रेगुलेशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इस पर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन किया जाएगा इन द मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम फॉस्फोराइलेज ए। जो फॉस्फोराइलेज ए जो है ये है फॉस्फोराइलेज ए, ये एक्टिव फॉर्म होती है, और जो फॉस्फोराइलेज बी है वो लेस एक्टिव फॉर्म होती है। मोर एक्टिव कौन है? फॉस्फोराइलेज ए, और लेस एक्टिव कौन है? जो फॉस्फोराइलेज बी है। वन ऑन ईच सब यूनिट, दो सब यूनिट है तो दोनों सब यूनिट में सेरीन रेजिड्यू है। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है इसके पास भी सेरीन रेजिड्यू है, और यहाँ पर सेकेंड यूनिट है इसके पास भी सेरीन रेजिड्यू है, इसी पर फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा जिससे ये एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम है इसका नाम है फॉस्फोराइलेज बी काइनेज। क्या नाम है? फॉस्फोराइलेज बी काइनेज, यानी कि बी के ऊपर फॉस्फेट लगा रहा है, इस वजह से इसको नाम दे रहे हैं क्या, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज। इसने क्या किया कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी है इसका जो सेरिन रेजिड्यू है इसके ऊपर फॉस्फेट लगा दिया विद द हेल्प ऑफ एटीपी। दो सब यूनिट है, एक पर फॉस्फेट लगाने के लिए एक एटीपी और दूसरी पर फॉस्फेट लगाने के लिए दो एटीपी, यानी कि एक एटीपी यहाँ और एक एटीपी यहाँ, तो टोटल कितना एटीपी? दो एटीपी। दो एटीपी यूज किया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज ने, इनके दोनों के फॉस्फेट निकाल लिए, उसको कन्वर्ट कर दिया एडीपी, और जो फॉस्फेट निकले उसको लगा दिया गया दोनों सब यूनिट के सेरीन रेजिड्यू, सेरीन नंबर 14 रेजिड्यू पर फॉस्फेट क्या कर दिया, लग गया। जैसे ही जो फॉस्फोराइलेज बी है उसके सेरीन रेजिड्यू पर फॉस्फेट लगेगा, ये बी से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए जो है वो कैसी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। तो फॉस्फोराइलेज ए इज कन्वर्टेड टू लेस एक्टिव फॉर्म फॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेज बी बाय एंजाइमेटिक लॉस ऑफ दिस फॉस्फोरिल ग्रुप। अब देखो जो फॉस्फोराइलेज बी है काइनेज, तो फॉस्फोराइलेज बी काइनेज है, उसने क्या किया, फॉस्फोराइलेज बी के ऊपर फॉस्फेट लगाया और ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोराइलेज ए में। अगर जो ये फॉस्फेट लगे हुए इन फॉस्फेट को अगर हम क्या करें, हटा लें, तो बी जो ए बना है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बी में। तो जो बी ए से वापस बी में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ये जो एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज टर्म जहां भी आएगा यानी कि वो फॉस्फेट को क्या करेगा, हटाएगा। तो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है वो दोनों फॉस्फेट को हटा देता है और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फॉस्फोराइलेज बी में। तो ये है हमारा फॉस्फोराइलेज ए और फॉस्फोराइलेज बी का कन्वर्जन इन मसल सेल, किस तरह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म में जाएगा यानी कि फॉस्फोराइलेज ए कंडीशन में जाएगा, और किस तरह से फॉस्फोराइलेज बी कंडीशन में जाएगा इन मसल सेल। अब कुछ पॉइंट और समझ लो कि जो ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन यानी कि ग्लूकोज बॉडी से कम हो चुका है, तो हमें ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है तो हमें यानी कि ग्लाइकोजिनोलिसिस करनी होगी, और ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है हमारा कौन, जो हमारा ये फॉस्फोराइलेज है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ब्रेक डाउन कराएगा। तो ग्लूकेगॉन जो है वो इंड्यूस करता है फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज बी के ऊपर फॉस्फेट लगा देगा, जैसे इसके ऊपर फॉस्फेट लगेगा ये एक्टिव हो जाएगा और ग्लाइकोजन को तोड़ने लगेगा। वहीं पर क्या है कि जो हमारा एपिनेफ्रिन, हाई कैल्शियम लेवल, हाई एएमपी लेवल, ये जो है मसल सेल में क्या है, इंडिकेटर है कि जो फॉस्फोराइलेज बी काइनेज है उसको एक्टिवेट करते हैं,
और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा फॉस्फोराइलेज ए बन जाएगा, और ये फॉस्फोराइलेज ए बनेगा ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस को इंड्यूस करा देगा। तो ये हमने देख लिया कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का इस तरह से रेगुलेशन होता है मसल सेल में। अब वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो लीवर में है वो कैसे सेंसर की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पर जो हेडिंग है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ऑफ लीवर एज ए ग्लूकोज सेंसर। तो हमारा ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए फॉर्म में है, ठीक है। तो ये ए फॉर्म जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि यही वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये जो है ये जो साइट बनी हुई है ये एलोस्टेरिक साइट है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो हमारे जो बॉडी में है वो ग्लूकोज सेंसर की तरह भी वर्क करता है लीवर में। जो ये इसकी एक्टिव साइट है यहाँ पर आकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो जीएलसी मतलब यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के क्या कर गया है, बाइंड कर गया है। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड करेगा वैसे ही जो यहाँ पर ये फॉस्फेट है ये अभी सब यूनिट के अंदर इनर सर्फेस की तरफ है, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ये बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे उसके बाद देखिए क्या होता है, तो ग्लूकोज बाइंडिंग टू एन एलोस्टेरिक साइड ऑफ फॉस्फोराइलेज ए आइसोजाइम ऑफ लीवर इंड्यूस ए कन्फर्मेशनल चेंज दैट एक्सपोजेस इज फॉस्फोराइलेटेड सेरीन रेजिड्यू टू द एक्शन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पर एलोस्टेरिक साइड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड हुआ वैसे ही जो ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। जब ये अंदर की तरफ था जो हमारा जो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज P1 है जब अंदर की तरफ था ये फॉस्फेट तो वर्क नहीं कर पा रहा था आसानी से, जैसे ही बाहर की तरफ एक्सपोज हुआ वैसे ही हमारा जो PP1 यानी कि प्रोटीन फॉस्फेटेज P1 ये क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा। दिस फॉस्फेटेज कन्वर्ट फॉस्फोराइलेज ए टू फॉस्फोराइलेज बी, ये क्या करेगा इसके फॉस्फेट जो लगा हुआ है इसको रिमूव कर देगा। जैसे फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोराइलेज ए से फॉस्फोराइलेज बी में। तो वही यहाँ पर दिया हुआ दिस फॉस्फेटेज कन्वर्ट फॉस्फोराइलेज ए टू फॉस्फोराइलेज बी शार्पली रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड स्लोइंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज। अब देखो बॉडी में क्या हुआ है कि ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है, जैसे ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो हमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को सप्रेस करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर देखा था ना ये कैसे कि फॉस्फोराइलेज ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को लीवर में अच्छे से डिस्कस किया गया है कि कैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो सेंसर की तरह भी वर्क करता है। तो जैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए ने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होंगे, जब लेवल बढ़ेगा ग्लूकोज का तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही बाइंड होंगे तो जो सेरीन रेजिड्यू पर जो फॉस्फेट लगा था वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे बाहर की तरफ एक्सप्रेस होगा वैसे ही वहां पर एंजाइम में फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज P1 वो क्या करेगा, इस फॉस्फेट को रिमूव करा देगा। जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होगा ये फॉस्फोराइलेज ए से कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोराइलेज बी में। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वहां पर इंसुलिन लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। जो इंसुलिन लेवल जो बढ़ रहा है वो इंड्यूस करा रहा है फॉस्फेटेज 1 को, फॉस्फोराइलेज फॉस्फेटेज 1 को कि आप क्या करिए जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है या फॉस्फोराइलेज ए है उसके फॉस्फेट को हटा दीजिए जिससे वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। तो इस तरह से जो PP1 है उसने इसके फॉस्फेट को रिमूव कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉस्फोराइलेज बी में। तो ये कैसे फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो फॉस्फोराइलेज ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बी में, इस तरह से जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। तो ये देख लिया हमने कि किस तरह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो रेगुलेट किया जाता है, कैसे इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं और कैसे हम लोग इसको सप्रेस करते हैं और किस तरह से ये ग्लूकोज सेंसर की तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं दो हार्मोन के बारे में जिसका नाम है एपिनेफ्रिन और ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन तब रिलीज होता है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा तब रिलीज होता है जब हमें अचानक से स्ट्रेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन या कोई स्ट्रेस हम महसूस करते हैं, जैसे कुत्ता दौड़ा लिया एकदम से आपको, तो जब आपकी बॉडी आपने देखा आंखों से कुत्ता दौड़ा लिया तो आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो जो बॉडी में उनको तुरंत ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इंस्टेंट ग्लूकोज चाहिए। तो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है उसको ब्रेक कर लिया जाता है। तो अब जरा देखो यहाँ पर कैसे ये रिएक्शन चलती है, तो दो कंडीशन है, ये हिपेटोसाइट है, हिपेटो मतलब लिवर, और दूसरा है मायोसाइट यानी कि मसल सेल में। तो एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग यहाँ पे मसल सेल में दिखाई गई है और ग्लूकेगॉन की लिवर में दिखाई गई है। तो ये एक GPCR सिग्नलिंग है, GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अभी जब हम लोग कुछ दिन बाद सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम ये सिग्नलिंग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये रिसेप्टर है
ये GPCR रिसेप्टर है, इनके साथ में जो हमारा लिगेंड है यानी कि जो है जैसे ये हार्मोन बाइंड होगा वैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और इन ये तीन ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, इसके पास में अल्फा बीटा और गामा करके तीन प्रोटीन होती है, ट्राइमेरिक सब यूनिट होती है। तो जैसे ही इसके साथ में जो लिगेंड बाइंड करेगा इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होगी उसको हम लोग नाम देंगे GS-alpha, ये एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, एक एंजाइम है जिसका नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज, साइक्लेज मतलब साइक्लिक, जिस तरह रिंग स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये क्या करेगा ATP को कन्वर्ट करा देगा साइक्लिक AMP में। जैसे ही साइक्लिक AMP एक्टिवेट होगा साइक्लिक AMP चार जाकर के बाइंड होंगे PKA के साथ में, PKA अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे साइक्लिक AMP जाएगा और PKA के साथ बाइंड होगा ये इनएक्टिव PKA को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक्टिवेट PKA में। PKA एक्टिवेट जैसे ही होगा वो क्या करेगा, जो फॉस्फोराइलेज बी है ये वाला, ये फॉस्फोराइलेज बी है, जैसे ही ये इसको एक्टिवेट करेगा किसको, ग्लाइकोजन, ये फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को, जैसे ही काइनेज को एक्टिवेट करेगा कौन, PKA, फॉस्फोराइलेज काइनेज ए, ये एक्टिवेट किया किसको, फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को, तो ये कैल्शियम की हेल्प भी लेता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो PKA इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज बी काइनेज, जैसे ही फॉस्फोराइलेज बी काइनेज होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। जैसे ही फॉस्फोराइलेज बी जो है काइनेज एक्टिवेट हो गया, इसने क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी है बी के ऊपर ये क्या करेगा, फॉस्फेट लगा देगा, जैसे इसके ऊपर फॉस्फेट लगेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में, जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में कन्वर्ट होगा यानी कि अब ये जाग चुका है और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना शुरू कर देगा, तो जो लो AMP लेवल है ये भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को एक्टिवेट करता है, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए जो एक्टिवेट हुआ है वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के दो कंडीशन है, या तो ये जो जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है ये तो या तो ये मसल सेल में चल रही होगी, दूसरा कहाँ चल रही होगी, जो हमारा लिवर सेल है वहां पर, अगर मसल सेल में चल रही होगी तो वहां पर क्या होगा कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम लगाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ये यहाँ पर जाकर के पायरुवेट और वो सब बना करके ATP बनाएगा और मसल कॉन्ट्रेक्शन में ATP को दान देगा या ATP डोनेट करेगा, ठीक है। वहीं अगर क्या है कि ये अगर लिवर में है तो लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर किया गया था ग्लाइकोजन फॉर्म में, तो वहां पर जो ग्लूकोज निकलेगा उसको ब्लड में छोड़ना है हमें, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रिलीज होगा ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, तो 1-फॉस्फेट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये लिवर से बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका फॉस्फेट को हटाना होगा यानी कि हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, ग्लूकोज में। तो यहाँ पे देखो दो तीन स्टार जो एरो लग गए हैं बीच में, जब कभी इस तरह से दो तीन स्टेप जो एरो लगे हों इसका मतलब ये होता है कि बीच में और भी कई स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्लो डायग्राम में नहीं समझाया गया है, तो हमें यहाँ के जो मिसिंग स्टेप है उनको देखना है कि किस तरह से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लूकोज में और कैसे वो ब्लड में जाकर के रिलीज कर दिया गया है। तो ये जब हम लोग अभी सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो हम ये पूरी साइकिल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम समझते हैं कि किस तरह से जो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन की सिग्नलिंग के रिस्पॉन्स में जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट रिलीज हुआ है उसको किस तरह से लिवर से ब्लड स्ट्रीम में ले जाया गया है, तो वो जरा हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो जब जो ग्लाइकोजिनोलिसिस स्टेप है ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ही जो है वो फोल्ड होकर के क्या बनाती है, ER बनाती है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस का जो स्टेप है वो कहाँ पर चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है वो कहाँ पर रिलीज हो रहे होंगे, साइटोप्लाज्म में, इसके साथ साथ में ही कुछ क्या रिलीज हो रहे होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे होंगे। तो अब इसकी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, इस पर लगा हुआ है फॉस्फेट, तो ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इस पर फॉस्फेट लगा है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी भी जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो हमें इसका फॉस्फेट को हटाना होगा। तो दिस रिक्वायर द एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज आ गया यानी कि ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट को हटा रहा है। तो याद करो हमने अभी पीछे एंजाइम यूज किया था म्यूटेज, म्यूटेज ने क्या किया था, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। अगर लिवर में जरूरत है ग्लाइकोलिसिस की तो ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, और जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग फॉस्फेट हटा लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो हमें इसको ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से 1-6-फॉस्फेट हम बना चुके हैं, अब हमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बनाना है क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत और है जो इसकी छठी पोजिशन से फॉस्फेट को क्या करेगा, हटाएगा, जिसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज।
विच प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी बट नॉट इन अदर्स टिश्यूज। ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज है ये केवल लीवर सेल में प्रेजेंट होता है और किडनी में प्रेजेंट होता है, बाकी अदर टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये देखो वर्क कैसे करता है, ये है हमारा साइटोसोल, ये हमारा क्या है सेल का साइटोसोल, इसी को हम लोग जरा यहाँ डायग्राम में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है हमारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, और जो इसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ये हमारा जो ये ईआर है ईआर के ल्यूमिनल फेस पर होता है, ये ल्यूमेन साइड है, ये ल्यूमेन है इसका, तो ल्यूमिनल फेस पर प्रेजेंट है कौन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज। तो हमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को साइटोप्लाज्म से ईआर के ल्यूमेन तक लाना होगा ना, तो इसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर ईआर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसका नाम है ग्लूकोज सिक्स ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं T1। T1 की हेल्प से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो ईआर के अंदर मूव करके आ जाएगा। जैसे ही ईआर के अंदर आएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को, जो ईआर के ल्यूमेन फेस पर प्रेजेंट है एंजाइम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ये इसकी छठी पोजीशन से फॉस्फेट को हटा देगा, वो इन फॉर्म ऑफ पीआई रिलीज हो जाएगा और ग्लूकोज के ऊपर से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो था उसके ऊपर से एक फॉस्फेट हट गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसे हम लोग T2 नाम दे रहे हैं, वो दूसरी तरफ ईआर के मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वहां से ये क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म में। और जो पीआई है उसको भी एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर T3, उसके थ्रू जो है ये पीआई भी सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर आ गया है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया जिसके ऊपर कोई भी फॉस्फेट नहीं है। तो अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना है ब्लड में भेजना है। तो हमने जैसे अभी डिस्कस करेंगे जब सेल बायोलॉजी में, तो वहां पर हम लोग ग्लू ट्रांसपोर्टर पढ़ेंगे। तो जो ग्लू ट्रांसपोर्टर होते हैं वो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो पांच तरह के मेनली हम लोग पढ़ेंगे। तो GLUT1 होगा, GLU2, GLUT1, 2, 3, 4, 5। तो जो GLUT2 होता है ये इकलौता ऐसा ट्रांसफर होता है जो ट्रांसपोर्टर जो होता है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर से सेल के बाहर, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर क्या कराएगा रिलीज कराएगा। बाकी के सारे ट्रांसपोर्टर जो है वो ग्लूकोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर भेजते हैं, लेकिन जो ये GLUT2 है यही दो नंबर का काम करता है। ये क्या करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से बाहर भेजता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट है ये हमारा है GLUT2 ट्रांसपोर्टर। जो ग्लूकोज बना है सेल के अंदर उसको क्या करेगा ये सेल के बाहर यानी कि ब्लड कैपिलरी में रिलीज करा देगा। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होने लगेगा इंक्रीज होने लगेगा। तो किस तरह से लीवर जो है अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्लड स्ट्रीम में दे पा रहा है वो हमने ये पूरा इस प्रोसेस समझ लिया है कि कैसे जो ग्लाइकोजिनोलिसिस स्टेप है वो प्रोसेस होता है हमारे लीवर के अंदर, मसल सेल के अंदर, या फिर किडनी टिश्यू बोले तो वहां पर। तो आज के पूरे हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है ग्लाइकोजिनोलिसिस। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस समझ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के और कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां पर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी परेशानी हो रही है तो आप वहां पर मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आएगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।